उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जहानाबाद कस्बे स्थित एक युवक शादी समारोह में गया हुआ था कि तभी संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव तालाब में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं स्थानीय की माने तो कस्बे का ही रहने वाला आशीष मिश्रा, जिसका शव तालाब में मिला है। वहीं पुलिस ने बताया कि एक युवक का शव तालाब में मिला है, जिसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के चचेरे भाई ने तहरीर दी है कि शोच क्रिया के लिए गए थे, जहां तालाब में गिर जाने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 2/12/2020 को प्रातः सुबह 7:30 बजे के आसपास मोहल्ला चंदा गली में बने अम्बेडकर नगर के बगल में बने हुए तालाब में आशीष मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सनाफ राम बालक मिश्रा का 28 वर्षीय पुत्र कुएं तालाब में मृत पाया गया, जिसको पुलिस मौके पर है, जिसको पंचनामा के लिए सील करके पुलिस पंचनामे के लिए फतेहपुर भेज रही है। आज जनपद फतेहपुर के थाना जहानाबाद क्षेत्र के श्री पीयूष मिश्रा निवासी जहानाबाद ने थाना जहानाबाद पर आकर सूचना दी कि उनका चचेरा भाई आशीष मिश्रा पुत्र राम प्रसाद, जो कि नशे का आदि था, सुबह शौच क्रिया के लिए तालाब पर गया था, जहां पैर फिसलने कारण उसकी तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।